नमस्कार, मेरा नाम है फुदु कुमार। तो ना आज हम बात करने वाले हैं भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रेडिक्शन किया गया है। वो दरअसल ये प्रेडिक्शन किया गया है कि मॉर्गन स्टैनली ने क्या प्रेडिक्शन किया है कि उन्होंने क्या कहा है कि देखिए क्या कहती है, बिकम इंडिया टू बिकम वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाई 2027 सरपासिंग जापान एंड जर्मनी। मतलब इनका क्या कहना है कि भारत 2027 तक दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, जिसके ऊपर में सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और चाइना ही रहेगा। 2030 तक लगभग लगभग वो लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन जाएगा, पूरा दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन जाएगा। तो दरअसल ये प्रेडिक्शन यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने किया है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये कौन है मॉर्गन स्टैनली और क्यों इसने इंडिया के ऊपर इतना बड़ा प्रेडिक्शन किया है। तो दरअसल अगर हम लोग विकिपीडिया में देखा जाए तो मॉर्गन स्टैनली कौन है, तो ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है जो कि फाइनेंशियल सर्विस बहुत तरह की प्रोवाइड करती है और बहुत सारे मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गए पूरा दुनिया के थिंक टैंक एक तरह से बोला जाए तो फाइनेंशियली ये मॉर्गन स्टैनली को हम लोग बोल सकते हैं, जो कि पूरा दुनिया में ही पूरा एकदम डंका बजाए ले रहता है। और इन्होंने एक और प्रेडिक्शन किया है अभी के जो 2023 में फिस्कल ईयर 2023 में, कि इन्होंने क्या कहा कि जीडीपी ग्रोथ और 77.2% 2022-23 बीट्स गवर्नमेंट प्रेडिक्शन। मतलब ये जो 7.2% जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो दरअसल मॉर्गन स्टैनली ने ही ये चीज़ प्रेडिक्ट किया है। और इन्होंने क्या कहा कि मतलब गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्शन था भारत में भारत को लेकर, वो चीज़ को भी इन्होंने बीट कर दिया। मतलब इतना ज़्यादा डेवलप हो रहा है भारत की, इन्होंने पूरे भारत का जो प्रेडिक्शन था इंडियन गवर्नमेंट का उसको भी मतलब हटा दिया। तो भारत का क्या प्रेडिक्शन था मैं आपको बताता हूँ कि भारत का क्या जीडीपी ग्रोथ रेट क्या था, कि उन्होंने क्या कहा था कि लगभग 7% के करीब, मैक्सिमम 7% के करीब यहाँ पे जाएगा ये जो भारत का जो जीडीपी है वो ग्रोथ रेट है वो फिस्कल ईयर 2022-23 में ये लगभग 7% जाएगा। और एक मैं मज़े की बात बताऊँ, यहाँ भारत में जो आरबीआई है, आरबीआई उन्होंने क्या ग्रोथ रेट बताया था, जो जीडीपी का ग्रोथ प्रोजेक्शन रेट मतलब एक तरह से अनुमान क्या लगाया था उन्होंने, तो और भी कम लगाया था। लगभग जी होना चाहिए कि भैया हो जाएगा 6.8, जो कि फिस्कल ईयर में जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो इतना ही आसपास लगभग रहेगा, इससे ज़्यादा तो नहीं बढ़ सकता है। लेकिन इस बार जब मॉर्गन स्टैनली ने जो किया वो पूरा दुनिया को ही एकदम शॉक में डाल दिया, मतलब अचंभ हो गया, भगवा गया पूरा दुनिया ही कि किस तरह से यहाँ पे 7.2%, मतलब ये पूरा दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है मैं आपको बताऊँ तो। और ये जो $5 trillion इकोनॉमी की जो मोदी गवर्नमेंट की जो सपना है वो तुरंत ही मतलब हाल एक दो साल में ही ये कंप्लीट हो जाएगी, ये चीज़ मॉर्गन स्टैनली ने खुल के ये चीज़ पूरा सपोर्ट में कहा है। और ये चीज़ को देख के मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे जो यूनियन मिनिस्टर है राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने क्या कहा कि इंडिया डिफरेंट अंडर पीएम मोदी। मतलब उनका क्या कहना है कि जो इंडिया का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो जीडीपी का ग्रोथ है, वो चीज़ पूरा एकदम डिफरेंटली ही अभी पूरा एकदम लय में चल रहा है, मतलब एकदम पूरा एकदम हड़हड़ाइले चल रहा है। जो स्पीड है, जो गति है, पूरा दुनिया का जो नज़रिया है भारत के ऊपर वो एकदम बहुत ही शानदार तरीके से पूरा दिखाया जा रहा है और बहुत एकदम सराहनीय काम है। हालांकि कई सारे यहाँ पे ओपोजिशन के पार्टीज जो हैं वो मोदी गवर्नमेंट को कई सारे क्रिटिसाइज करते रहे, लेकिन ये जो जीडीपी का ग्रोथ है वो क्योंकि इस बार गवर्नमेंट का जो आंकड़ा था उससे भी ज़्यादा बढ़ के, वो कि पूरा दुनिया का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो देता है मॉर्गन स्टैनली, उसने ये चीज़ प्रेडिक्ट किया, तो ये बहुत ही बड़ी बात है भारत के लिए, बहुत ही ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट है मैं मानता हूँ ये चीज़। और मैं आपको अगर जीडीपी की बात करूँ तो यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं ये जो लिस्ट है उसमें, कि यहाँ पे इंडिया का आप देख सकते हैं इस बार इन्होंने यूनाइटेड किंगडम को पूरा सरपास करके फिफ्थ नंबर में $3.7 trillion की, जो मैंने क्या कहा कि $3.7 trillion की इकोनॉमी बन गई है। तो दरअसल ये एक एस्टिमेटेड है जिसमें कि वो साल भर का एस्टिमेटेड, मतलब कि यहाँ पे जीडीपी जो $ US million या $trillion में जो दिखाया जाता है उसमें क्या कहता है कि वो जो पूरा साल भर का, देखिए हर एक दिन ये लोग अपडेट नहीं कर सकते, तो दरअसल इनका क्या है अनुमानित एक साल में ये कितना होगा, तो इनका ये मानना है कि इस बार भारत में लगभग 3.7 trillion की इकोनॉमी भारत आराम से ही पहुँच जाएगा। और ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि अभी जर्मनी को अगर हम लोग देखें तो जर्मनी पूरा रिसेशन में जा चुका है, अभी यूनाइटेड स्टेट्स भी लगभग रिसेशन में जाने ही वाला है, तो
हो सकता है आने वाले 5-6 महीना में हम लोग हो सकता है 5वें से 4थे नंबर में आ जाए, जर्मनी कहीं ना कहीं 5वें नंबर में आ जाएगा और भारत 4थे नंबर में आ जाएगा वर्ल्ड ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी में। और ये बहुत ही सराहनीय काम है, मतलब इसको देख कर ना हर एक भारतीय गदगद हो चुका है कि भारत इतना ज़्यादा ग्रोथ दिखा रहा है जो GDP में है। और धीरे धीरे मैं आपको बताऊँ तो ये जो GDP है उससे अगर बढ़ेगा तो GDP पर कैपिटा भी बढ़ेगा, हर एक चीज़ परचेजिंग पावर भी बढ़ेगा भारत की, हर एक चीज़ भारत के लिए ही बेनिफिट है। और अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो GDP है वो इतना ज़्यादा ग्रोथ किस बेसिस पे कर रहा है, आखिर क्या है। कई सारे रीजन तो ज़रूर ही होंगे जो कि यहाँ पे जो इतना ज़्यादा ग्रोथ दिखा रहा है। तो सबसे पहला अगर मैं रीज़न बताऊँ जो कि भारत की GDP और पूरा दुनिया का जो ये शॉक करने वाला जो बात है जो कि मॉर्गन स्टैनली ने ये चीज़ दिखाया है, तो सबसे पहला तो यहाँ पे देखिए भारत का जो सबसे बड़ा इनिशिएटिव है वो है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट। मतलब ये जो चीज़ लाया गया है ना मोदी गवर्नमेंट द्वारा, तो मतलब ये पूरा एकदम फाड़ कर रख दिया पूरा दुनिया में ही, पूरा भारत में ही, कि मेक इन इंडिया कुछ भी चीज़ है कहीं से भी चीज़ है उसको हम लोग इम्पोर्ट नहीं करेंगे बल्कि आपको खुद से यहाँ पे भारत में उस चीज़ को प्रोड्यूस करना है और इसको आपको एक्सपोर्ट करना है। ये चीज़ बहुत ही बड़ी इंसेंटिव लाई गई है जिसके चलते कई सारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, कई सारे कंपनीज वो भारत में अपना अपना फैक्ट्रीज बैठा रहे हैं। उसके कई सारे एग्जाम्पल भी हैं, मैं आपको अगर बताऊँ तो जैसे कि एप्पल को ही देख लीजिए, एप्पल आईफोन 14 15 प्लस, जो अपकमिंग आईफोन 14 15 प्लस है वो चीज़ यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाएगा, वो भी टाटा ग्रुप के द्वारा। ये चीज़ किस बेसिस पे हुआ है? दरअसल ये चीज़ हुआ है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के द्वारा ही। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा एकदम खुशी का माहौल है। और ये जो मेक इन इंडिया है वो किस बेसिस पे इतना आगे बढ़ रहा था, यहाँ पे भारत ने क्या किया है, भारत सरकार ने, कि उन्होंने PLI स्कीम लाया है उन्होंने, तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। मतलब भारत सरकार क्या कर रही है कि जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ के जो भी कई सारे कंपनीज हैं उनको PLI स्कीम के द्वारा कई सारे बेनिफिट, सब्सिडी, चाहे कई सारे डिस्काउंट दिए जा रहा है ताकि वो भारत में आकर अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए, यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप करे, ताकि उनको कई सारे बेनिफिट मिले, ताकि वो यहाँ पे अच्छे से रोज़गार पैदा कर सके। इसके चलते मैं आपको बताऊँ ना तो भारत अब जो इम्पोर्टर था पहले, वो चीज़ अब वो एक्सपोर्टर बन चुका है पूरा भारत, पूरा दुनिया में ही वो पूरा एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया है। और सबसे बड़ा अगर GDP को जो बल दिया है, जो सबसे बड़ा जो मार्केट शेयर जो होल्ड करता है वो है यहाँ पे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट जो है वो कि बीते कुछ 4-5 साल में इतना ज़्यादा ग्रो किया है, इतना ज़्यादा डेवलप किया है भारत में कि बस इसका पूरा दुनिया में ही डंका बजल है कि भारत में जो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चरल जो है कई सारे इंसेंटिव लाए गए हैं, इसके ऊपर सब्सिडी जो दिया गया है, जिसके चलते भारत ना, अगर मैं आपको बताऊं तो आने वाले कुछ दिनों में ना भारत बस पूरा दुनिया को ही हैरान करके पूरा तुरंत ही जो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो मॉर्गन स्टैनली के द्वारा जो कहा गया वो 1-2 साल में ही वो अचीव कर लेगा। क्योंकि कई सारे देश में अभी रिसेशन आने वाले हैं, UK यूरोपियन यूनियन में, अभी अमेरिका में पूरा डमाडोल बन ले है कि कब डूबेगा, आज डूबेगा। इसके चलते यहाँ पे पूरा भारत का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि भारत कई सारे प्रोडक्शन इंसेंटिव लाया है और भारत ही एक ऐसा है जो कि अभी पॉजिटिव में चल रहा है। क्योंकि जितने अमेरिका, यहाँ पे अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, ये सब अभी नेगेटिव में ही जा रहा है। जर्मनी तो पूरा रिसेशन में चल ही गया है, अभी इंडिया ही एक ऐसा है जो कि अभी वो पॉजिटिव में और ग्रोइंग स्टेज में, 7.2% का जो ग्रोथ रेट है वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा, कोई भी दुनिया में अभी तक से कोई देश इतना ज़्यादा हासिल नहीं किया है। और जो एक दो और रीज़न है जो कि भारत को अभी बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ा रहा है GDP में, वो सबसे बड़ा यहाँ पे देखिए तो डिफेंस एक्सपोर्ट ऑल टाइम हाई में अभी चली गया है। तो ये चीज़ क्यों पॉसिबल है? मेक इन इंडिया जो ये प्रोजेक्ट मैं आपको बताया, मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे, जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है उसी के चलते ही यहाँ पे जो कई सारे जो इक्विपमेंट्स हैं जो कि डिफेंस के रिलेटेड हैं, डिफेंस से रिलेटेड है, वो चीज़ यहाँ पे भारत में ही बनाया जा रहा है। यहाँ पे एक्सपोर्ट, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि भारत इंपोर्ट करता था कई सारे यहाँ पे डिफेंस वाले इक्विपमेंट, लेकिन इस बार 16,000 करोड़ का लगभग ये चीज़ एक्सपोर्ट किया उन्होंने डिफेंस वाला। ये भी बहुत बड़ा बल दिया इस बार यहाँ पे GDP में। और कई सारे ऐसे चीज़ हैं जो कि भारत में ऐसे हो रहे हैं। यहाँ पे हाल ही में टेस्ला भी बहुत ही ज़्यादा सीरियस, वो भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में बैठाने के लिए, हालांकि वहाँ पे
कई सारे उनके ऊपर जो कई सारे आरोप हैं और उनको कई सारे सब्सिडी चाहिए, लेकिन टेस्ला बहुत ज़्यादा सीरियस अभी वो भी चाहते हैं कि हम लोग भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाएं। तो ये चीज़ अगर हो जाए ना, कई सारे चीज़ अभी होना बाकी है, हो ही रहा है, एक दो साल में वो चीज़ हो जाएगा, तो भारत तुरंत ही $5 trillion इकोनॉमी बन जाएगा और वो जर्मनी को भी सरपास कर देगा और वो 4th largest इकोनॉमी दुनिया का बन जाएगा। आने वाले दिनों में 2026 तक तो ये पूरा 3rd largest इकोनॉमी बन ही जाएगा। और एक बारी के लिए मैं आपको बताऊं, चलिए ये तो भारत के बारे में बात किया, क्योंकि भारत 7.2% अभी वो ग्रोथ जा रहा है, लेकिन अभी चाइना की अगर हम लोग बात करते हैं, चाइना की इकोनॉमी मतलब लगभग 4.5% ही अभी तक से उनका जो ग्रोथ रेट है वो इतना ही है। सोच सकते हैं भारत इससे लगभग लगभग डबल में अभी चल रहा है भारत। सोच सकते हैं भारत का ये जो अमृत काल है वो किस बेसिस पे जा रहा है। और चलिए ये सब तो ठीक है, चाइना का तो इनका एक टारगेट है कि आने वाले दिनों 6.8 जो है वो चीज़ हम लोग अचीव कर लेंगे, इनका ये कमिटमेंट है जो कि ये लोग आने वाले दिनों में हो सकता है ये लोग अचीव कर, लेकिन भारत का अभी भी ये लोग टच नहीं करने पाएंगे। और ये जो $5 trillion इकोनॉमी है वो आने वाले दिनों में 7.2% ये चीज़ होते ही रहेगा, तो आराम से हम लोग कई सारे देशों को हम लोग सरपास कर देंगे, हो सकता है जापान को भी सरपास कर दे। लेकिन अभी ये जो चाइना की बात है, हालांकि वो चीज़ अभी 4.2% है, लेकिन अभी इनका देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है, $3.7 trillion इनका, $19 trillion वहीं पे यूनाइटेड स्टेट्स का $26 trillion चीज़। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा बड़ा ये जो आंकड़ा है वो चीज़ है, लेकिन आने वाले दिनों में भारत ये चीज़ ज़रूर ही अचीव कर लेगा। हो सकता है 1 साल 10 साल 20 साल ये लग जाए, लेकिन ये भारत के लिए कोई नामुमकिन वाला बात नहीं है, ये क्योंकि ये करंट गवर्नमेंट के बहुत सारे ये जो स्कीम लाए गए हैं उसके चलते ये चीज़ पॉसिबल हो पाया है। अब चलिए ये सब चीज़ तो ठीक है, लेकिन अब हम लोग बात करें हमारे पड़ोसी मुल्क मतलब कि पाकिस्तान, जिनसे ये उत्सर्जन हुआ है उसके बारे में कि उसका क्या हालचाल है, उसका क्या ग्रोथ रेट है। तो उसका मैं बहुत ही कॉमेडी वाला बात बताऊं, तो IMF ने उनको स्लैश किया है पाकिस्तान को, उन्होंने क्या कि उनका जो ग्रोथ रेट है वो 0.5% ये चीज़ बहुत ही हंसी की बात है। फिजिकल 2023 में ये पाकिस्तान का ग्रोथ रेट है ये कि 0.5% होगा, खैर तो बर्बादे होगा, हमको तो भगवान समय चाहते कि बर्बाद हो जाए पाकिस्तान, भीतर मिल जाए बहुत बढ़िया बात रहेगा, 0.5% एकदम बहुत ही बेकार है। लेकिन ये चीज़ भारत के लिए नहीं है, भारत अभी एकदम पूरा दुनिया आसमान छूने के कगार में है, पूरा दुनिया को ही पीछे छोड़ेगा। और मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि ये चीज़ सही में ही हो, कि भारत दुनिया का विश्व गुरु बने और GDP में सबसे दुनिया के एक टाइम में जो 45 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी थी वो चीज़ फिर से भारत हासिल करे। आई होप ये चीज़ हो सके, भगवान हमेशा हमारे साथ में रहे। आई होप आपको ये पूरा 3rd largest इकोनॉमी जो भारत का अमृत काल जो चल रहा है वो चीज़ समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो मेरे तरफ, सभी व्यूअर्स को भगवान आपको हमेशा खुश रखें।